अपना आंख बंद करके बैठे हुए हैं। इतना जीडी का भर्ती है, इतना ट्रेडमैन का भर्ती है और इतना टेक्निकल का भर्ती है। आठ पास से जो ट्रेडमैन की भर्ती होती है ना, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कराए होंगे, बहुत सारे लोग भर्ती देखने गए होंगे। जहाँ से मैं रिजल्ट चेक किया हूँ, आप लोग वहाँ पर जाकर और पूरा पीडीएफ खोलना। युवा तो पूरा पगलाइए गया है, मुझे अच्छी तरह से पता है। बस चुनाव आने दो। इनकी भर्ती चार साल के लिए हो गई है और इसमें पेंशन भी बंद कर दिया गया है और इसमें हूर लेंगे और बोलेंगे कि इस बार इतना भर्ती निकाला जाएगा, उतना भर्ती निकाला जाएगा। इसी तरह एसएससी जीडी में भी हुआ। जब शुरू शुरू में अग्निवीर की भर्ती निकाली गई तो हम लोग के सरकार हम लोग से एक वादा की, क्योंकि किसी को भी अग्निवीर वाली भर्ती पसंद नहीं थी, तो सरकार हम लोग के हौसले को बढ़ाई। वो बोली कि अब हर घर में फौजी बनेगा। और जितने लोग भी नेताओं के पीछे घूमते हैं, जब हम लोग इस पर आवाज उठाते थे ना, हम लोग बोलते थे कि भाई ये भर्ती सही नहीं है, इससे लोगों का मनोबल डाउन हो जाएगा, कोई भी आगे चलकर इंडियन आर्मी की तैयारी करना नहीं चाहेगा। तो कुछ लोग पता है क्या बोल रहे थे, जो लोग नेताओं के पीछे घूमते हैं, वो लोग बोल रहे थे भाई जब चार साल में रिटायर कर दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा वैकेंसी निकाली जाएगी, और जैसे एक घर में मतलब जरूर एक फौजी तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा बोला गया था शुरू शुरू में। लेकिन अभी ऐसा रिजल्ट देखने को मिला ना, आप लोगों को यकीन नहीं होगा यार। एक एआरओ में मतलब 5 से 6 हजार लोग भर्ती देखने जाते हैं, किसी एआरओ में 7 हजार लोग जाते हैं, और उसमें से मतलब 1000 लोग, 1500 लोग, 2000 लोग रेस मारते हैं, मेडिकल फिट होते हैं, और उतने लोगों में से रिजल्ट पता है कितना बन रहा है। एक एआरओ का अभी कल 2 एआरओ का रिजल्ट निकला था, एक हिसार का निकला था और दूसरा हमीरपुर का निकला था। तो हिसार में जीडी वाली काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी और हमीरपुर में भी जीडी वाले काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, लेकिन टेक्निकल वाले में 15 से 20 सीट बस था, ठीक है ना, एक एआरओ में। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा रहे हैं, इतने सारे लड़के वहाँ पर भर्ती देखने जा रहे हैं तो कहाँ से हर घर में फौजी बन पाएगा। सब लोग अपना आँख बंद करके बैठे हुए हैं। ये जितने भी बड़े बड़े मीडिया वाले हैं ना, ये अभी कोई नहीं बोलेगा। अभी देखो आज बहुत सारे यारों का रिजल्ट निकाला गया है, आप लोग रिजल्ट देखोगे। अभी मैं आप लोगों को ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर दिखा रहा हूँ, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। कोई कोई सा ऐसा यारो है ना, ट्रेडमैन का एक को भर्ती नहीं है, और कोई कोई सा ऐसा है ना जिसमें ट्रेडमैन का ज्यादा है और ट्रेडमैन से कम टेक्निकल वालों का भर्ती दे दिया गया है। देखो एक बात और मैं आप सभी लोगों से बता दे रहा हूँ, जब अग्निवीर हो या इंडियन आर्मी हो, इसकी जब भर्ती निकाली जाती है ना, तो उस टाइम मतलब करेक्ट नहीं बताया जाता है कि इस एआरओ में इतना जीडी का भर्ती है, इतना ट्रेडमैन का भर्ती है और इतना टेक्निकल का भर्ती है। अगर ये सब पहले बता दिया जाता ना, तो जितने भी भाई ट्रेडमैन में ऑनलाइन कराकर भर्ती देखने जा रहे हैं, वो लोग ट्रेडमैन में ऑनलाइन ही नहीं कराते। इतना पैसा बर्बाद करने का क्या मतलब निकल रहा है भाई। अभी आप देखो, अभी आठ पास से जो ट्रेडमैन की भर्ती होती है ना, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कराए होंगे, बहुत सारे लोग भर्ती देखने गए होंगे, लेकिन रिजल्ट क्या निकला है, बहुत सारे यारों में आठ पास वाली एक भी वैकेंसी नहीं है। हो सकता है आठ पास वाले लड़के नहीं गए होंगे सब, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है मेरे भाई। मतलब सरकारी जैसे जो ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें मैं देखा हूँ बहुत सारे जगह एक भी रिजल्ट नहीं है। और आप लोग भी खुद देखो और इससे अंदाजा लगाओ कि आने वाले समय में हमारे देश में हर घर में फौजी होगा या सब लोग फौज की तैयारी छोड़कर दूसरे क्षेत्र में लग जाएंगे। आज ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको फाइनल रिजल्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। जब फाइनल रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो सारा का सारा रिजल्ट खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप लोग सब कुछ लाइव देख लो। जितने भी भाई कन्फ्यूजन में पड़े थे, तो आपको कन्फ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। कल यहाँ पर सिर्फ 2 ही आरओ का रिजल्ट दिखा रहा था, लेकिन आज देखो बहुत सारे आरओ का रिजल्ट दिखा रहा है। और किस एआरओ में कितना सीट है ये मैं आप लोगों को शॉर्ट कट में बता दे रहा हूँ। अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं पहले से ही पूरा का पूरा पीडीएफ खोल खोल कर चेक कर चुका हूँ, ठीक है ना। देखो सबसे ऊपर लिखा गया है संबलपुर एआरओ, तो इसमें पता है जीडी के लिए टोटल 105 वैकेंसी थी और ट्रेडमैन 10 पास के लिए टोटल 22 वैकेंसी थी और 8 पास ट्रेडमैन के लिए टोटल 8 वैकेंसी थी, ठीक है ना, संबलपुर एआरओ में। अब बात कर लेते हैं, नीचे दिया है सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी में जीडी के लिए आपका टोटल 31 वैकेंसी थी। भाई जब इसका पीडीएफ खोलोगे ना, तो सिर्फ 31 लोगों का सिलेक्शन हुआ है जीडी में, साफ साफ दिखा रहा है। और टेक्निकल में सिर्फ एक लड़के का सिलेक्शन हुआ है, ट्रेडमैन 10 पास वाले में 5 लड़के का सिलेक्शन हुआ है और 8 पास वाले में 2 लड़के का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे कम सीट तो इसी एआरओ में था यार, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है इतना कम सीट क्यों मतलब इस एआरओ में दिया गया है, ये पीडीएफ खोलने के बाद साफ साफ दिखा रहा है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं शिलांग का, तो शिलांग वाले में जीडी में आपका 148 वैकेंसी है और टेक्निकल में सिर्फ 4 वैकेंसी है और ट्रेडमैन में जैसे 10 पास वाले में 15 वैकेंसी है और 8 पास वाले में 6 वैकेंसी है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नीचे एआरओ रंगापार, ये जो रंगापार दिया है ना, इसमें जीडी के लिए टोटल 60 वैकेंसी है और ट्रेडमैन के लिए मतलब ट्रेडमैन 10 पास वालों का सिर्फ 3 वैकेंसी है और 8 पास वालों का सिर्फ 2 वैकेंसी है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नीचे ये जो जोरट दिया है,
तो जोहरट में मतलब जीडी के लिए टोटल 148 वैकेंसी है और टेक्निकल के लिए टोटल 3 वैकेंसी है और ट्रेडमैन 10 पास वालों के लिए टोटल 11 वैकेंसी है और 8 पास वालों के लिए टोटल 5 वैकेंसी है, ठीक है ना। और अब बात कर लेते हैं बेंगलुरु का। तो बेंगलुरु में जैसे सबसे ज़्यादा जीडी में मतलब इन लोगों से तो अच्छा ही है, इसमें जीडी में टोटल 222 वैकेंसी है और टेक्निकल में टोटल 14 वैकेंसी है और ट्रेडमैन में मतलब 10 पास वाले में 18 वैकेंसी है, ठीक है ना, 8 पास वाले का नहीं दिखा रहा था। तो इतना यारों का जितना भी सीट था मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बता चुका हूँ और ये तो मैं आप लोगों को कल ही बता दिया था। जैसे जो नीचे है तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, हिसार का और हमीरपुर का। इसमें भी एक में जैसे ट्रेडमैन में 7 वैकेंसी था और एक में 5 वैकेंसी था, तो ये तो मैं आप लोगों को कल बता दिया था। लोगों को सारे यारों के रिजल्ट के बारे में मैं बता दिया हूँ, क्या बताऊँ यार। आप लोग खुद ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और जहाँ से मैं रिजल्ट चेक किया हूँ आप लोग वहाँ पर जाकर और पूरा पीडीएफ खोलना और उसमें आप लोग खुद गिनती करना कि कितना जीडी का सीट है, कितना ट्रेडमैन का सीट है और कितना टेक्निकल का सीट है। मैं पूरा जैसे गिनती करके रखा था, मैं आप लोगों को पूरा जोड़ जोड़ के बता चुका हूँ। अब ऐसे कैसे हर घर में फौजी बन पाएगा मेरे भाई। ये जो रिजल्ट निकला है ना, ये रिजल्ट देखने के बाद अभी हमारे तरफ जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना, और ज़्यादा मनोबल डाउन हो गया है। अभी पहले से तो मनोबल डाउन था लेकिन ये रिजल्ट देखने के बाद और ज़्यादा मनोबल डाउन हो जा रहा है। तो ऐसे तो नहीं हर घर में फौजी बनेगा। आप लोग तो बस आते हो और अपना सरकार बनाते हो और बोल कर चले जाते हो, और परेशान कौन रहता है, हम लोग रहते हैं, और सरकार बनाने वाला कौन है, हम ही लोग हैं। टेंशन ना लो, जिस दिन ये अभी युवा तो पूरा पगलाइए गया है, मुझे अच्छी तरह से पता है, बस चुनाव आने दो। जिस तरह तुम लोग हम लोगों को सबक सिखा रहे हो ना, उसी तरह तुम लोगों को भी ये जितने भी युवा डिफेंस लाइन से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तुम लोगों को भी सबक सिखाएंगे और जो नाम चला रखा है ना पूरा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो इस बात को जरूर सोचना मेरे भाई, जब इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल के लिए हो गई है और इसमें पेंशन भी बंद कर दिया गया है, तो कम से कम जो भर्ती निकाली जा रही है उसी में भर्ती थोड़ा बढ़ाकर निकालते हैं सब। बस ये लोग बोलते हैं, बस एक माइक ले लेंगे और इसमें हुर लेंगे और बोलेंगे कि इस बार इतना भर्ती निकाला जाएगा, उतना भर्ती निकाला जाएगा। इसी तरह SSCGD में भी हुआ। SSCGD में बोला जा रहा था कि 84,000 भर्ती निकलेगा, क्या हुआ 24,000-25,000 निकला। तो बस अभी चुनाव आ रहा है ना, अभी देखना इतनी सारी भर्तियां निकलेंगी ना, इतनी सारी निकलेंगी ना। सब युवाओं को भुलवा रहे हैं सब कि भाई अब तो मतलब ये सरकार बहुत अच्छी है, अब तो बहुत भर्ती निकाल रही है, लेकिन सब गुमराह कर रही है, ठीक है ना। आप लोग सारी बातों को सोचना जरूर, ठीक है ना, हम लोग के साथ क्या हो रहा है, हर ऐसे ही होगा ना। तो टेंशन ना लो, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि आने वाले समय में ये जितने लोग डिफेंस लाइन से जुड़े हुए हैं ना, पक्का है देश का नेता बनेंगे जरूर, क्योंकि नेता लोग इन लोगों का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों से इन लोगों को भी सबक मिल रही है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, अब देखते हैं हर घर में फौजी बनता है या मतलब साफ फौज की तैयारी छोड़ देते हैं सब। वैसे इस दिल में ना फौजी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारे देश का एक फौजी ही ऐसा है। अब उन लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं कि वो लोग भर्ती निकालेंगे, इतना सीट देंगे, उतना सीट देंगे, ये तो सब हमारे देश के नेताओं के हाथ में है। और नेता लोग क्या कर रहे हैं आप लोग देखिए रहे हो। हमारे फौजी भाइयों के लिए हमेशा सम्मान है, सम्मान रहेगा, और कहीं भी मिलेंगे ना तो रेस्पेक्ट देंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है।